الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ऐ जिन्नों और इंसानों के गरों, अगर तुम्हारी ताकत में है कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकलो, जहाँ से निकलोगे उसी की सल्तनत है। सो तुम अपने रब की नेमतों में से कौन सी नेमत से इनकार कर सकते हो। आज हमारी सूरह अर-रहमान की आयत मुबारक 34 तक की तिलावत और तर्जमा का शरफ नसीब हुआ। समय गुफ्तगू अल्लाह ताला के इनाम और इकरामात की हो रही है। सूरह रहमान शरीफ जो कुरान पाक की दुल्हन के तौर पे अल्लाह के रसूल ने सूरह मुबारक का नाम जिक्र फरमाया, उरूसुल कुरान इस सूरह मुबारक को कहा जाता है। तो उन्हीं इनामात में से और उन्हीं अल्लाह की कुदरत के करिश्मों में से आज एक नई और खूबसूरत गुफ्तगू की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस, ऐ इंसानों और जिन्नों की जमात। मैंने अर्ज़ किया था कि कायनात के अंदर सिर्फ दो मखलूकात ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है और उनसे हिसाब और किताब लिया जाएगा और उसके बाद उनके लिए जन्नत और दोजख का फैसला होगा, वो सिर्फ इंसान और जिन हैं। इसके अलावा बाकी जो मखलूकात हैं दुनिया में वो सब खत्म हो जाएंगी और अल्लाह के जो मलाइका हैं जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है वो वैसे नूरी मखलूक हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने गुनाह वाली ख्वाहिश से वैसे ही पाक फरमाया है, लिहाजा वो तो वैसे ही मासूम हैं। तो इरशाद हुआ कि ऐ इंसानों और जिन्नों की जमात, अगर तुम ये ताकत रखते हो कि ज़मीन व आसमान से निकल जाओ तो ज़रा निकल के दिखाओ कहाँ कहाँ पहुँचोगे। तुम जिधर भी जाओगे तुम्हें अल्लाह की रियासत और सल्तनत ही नज़र आएगी। हज़रत देहात रहमतुल्लाह अलैह ताला आप फरमाते हैं कि जब क़यामत का वक्त होगा तो अल्लाह ताला सबसे पहले ये जो पहला आसमान है जिसे आसमान दुनिया कहा जाता है, अल्लाह आसमान दुनिया को हुक्म फरमाएगा तो ये अपनी तमाम चीज़ों के साथ फट जाएगा और जो मलाइका यहाँ पर मौजूद है वो फौरन उन्हें ज़मीन पर आने का हुक्म होगा, वो ज़मीन पर तशरीफ ले आएंगे और इसके किनारों पर खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा आसमान है उसको भी फटने का हुक्म हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, सातों आसमान फट जाएंगे जब क़यामत कायम होगी और उसके सारे मलाइका और जो फरिश्ते हैं उन्हें अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा कि फटे हुए आसमान के किनारों पे खड़े हो जाओ और अब यहाँ देखो क्या तुम यहाँ से कहीं और जा सकते हो, ज़मीन पे जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, आसमानों तक पहुँचना चाहते थे वो तो फट गए, क़यामत आ गई, अब कहाँ जाओगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मलाइका देखो जैसे तुम मेरी कायनात और रियासत में से कहीं बाहर नहीं आ सकते, या आसमान है तो वो भी अल्लाह की रियासत है, ज़मीन है तो वो भी अल्लाह की रियासत है। तो फरमाया इंसान और जिन कहाँ जाएंगे, तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया या माशरल जिन वल इंस, ऐ इंसानों और जिन्नों की जमात, इनिस्ततातु मन तनफजू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम्हें ये जुर्रत और ताकत है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में तुमने बुराई की थी और अल्लाह के मुकाबले में तुमने अपने आप को फिरौन बना लिया था, अल्लाह के मुकाबले में तुमने अपनी रियासतों की शहनशाहियों में मुतलकुल अनानी का ऐलान किया था और तुम दुनिया में रहते हुए अपने आप में ऐसे गुम हो गए और अपनी ज़ात में ऐसे अंदाज में गरूर और तकब्बुर में आ गए कि तुमने समझा भी ना कि कोई कायनात का मालिक है,
तुमने अपने मालिक और खालिक को ही बुला दिया। फरमाया, आओ अगर तुम्हारी ये ताकत और जुर्रत है तो निकल के दिखाओ मेरी रियासत से, निकल के दिखाओ मेरी बादशाहत से। अल्लाह ने इंसान को झंझोड़ा है, अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों की जमात को झंझोड़ के रख दिया। फरमाया, खबरदार तुम में कोई ताकत है तो आओ आज मेरे मुकाबले में, कहीं जाके तो दिखाओ। तुम्हारी बादशाहियाँ भी आरजी थी, तुम्हारी हुकूमतें भी आरजी थी, तुम्हारे गरूर और तकब्बुर भी आरजी थे, सारे के सारे आज खाक में रब ने मिला दिए। और आज अगर बाकी रहा है तो वो अल्लाह का चेहरा बाकी है, अगर बाकी है तो रब की रियासत बाकी है, अगर बाकी है तो रब की हुकूमत बाकी है, अगर बाकी है तो रब का हुक्म बाकी। ये कुरान में ये जो अल्फाज आए हैं ये इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए आया मुबारक काफ़ी, ये एक आया मुबारक इंसान की हैसियत को दिखाने के लिए काफ़ी है, ये एक आया मुबारक जो 33 है ये इंसानी वजूद के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी दलील है और हमारे आजिज होने की सबसे बड़ी दलील है। और हमें अपने रब के हुजूर झुक कर अपने आप को आजिज और कमतर और उसे आला तर और अकबर ज़ात मानने की सबसे बड़ी दलील। कितना इंसान को आजिज कर दिया रब और कितना उसे कहा कि तू बेबस है। आज जो इंसान दुनिया में इतराता फिरता है, आज जो इंसान दुनिया के अंदर न जाने क्या क्या बातों में अकड़ता फिरता है, अल्लाह फरमाता है तेरी तो ये हैसियत है, तू जरा निकल के तो दिखा, कहीं कहाँ जाएगा, जरा तो निकल के तो दिखा, किधर जाएगा, आसमान की बुलंदियों पे चला जाएगा, जमीन पे होगा, जमीन के नीचे होगा, जमीन से ऊपर होगा, आसमान के सैयारों तक पहुंच जाएगा, कहाँ जाएगा, जिधर भी जाएगा हुकूमत तो मेरी ही है, बादशाहत तो मेरी है, कब्जा कुदरत तो सारा मेरा है। तो बुनियादी तौर पर इंसान को और जिन को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वापस लौटा इन तमाम चीज़ों से और ये इकरार कर ले कि ऐ अल्लाह मैं बहुत आजिज हूँ, तू बहुत कवी है, ऐ मौला मैं मोहताज हूँ, मौला तू गनी है, ऐ मेरे मालिक मैं फानी हूँ, तेरी ज़ात बाकी है, या अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, तू मेरा खालिक भी है मेरा मालिक भी। जब इंसान ये इकरार कर लेता है और अपने आप को खाक में मिला लेता है और इज्जो न्याज और इनके सारी के साथ अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है और ये इकरार करता है, मौला मैं बहुत बेबस हूँ, सारे बस तेरे पास हैं, या अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, तू बड़ा ताकतवर है, या अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी ज़ात तेरी है, जो चाहता है यफ़अलुल्लाहु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। फरमाया, जब इंसान इस बात का इकरार कर लेता है तो अल्लाह ताला मलाइका में फरमाता है, ऐ फरिश्तो गवाह रहो ये मेरा बंदा अपनी ज़ात की नफ़ी करके सारा कुछ मेरा इकरार कर रहा है, अब इसने सारे कामों को मेरी ज़ात पे छोड़ दिया है, अब इसके मामलात को संवारना मेरा काम। आगे फरमाया गया, ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, ऐ इंसान और जिन्हों तुम जहाँ जाओगे तो तुम्हें और कुछ नज़र नहीं आएगा तो उसी की सल्तनत और बादशाही नज़र आएगी। फिर वही जुमला दोहराया, फिर वही आया मुबारक दोहराई, फबिअय्यिआलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसानों और जिन्हों की जमात तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करो। ये जुमला, ये आयत, ये अल्लाह का फरमान हर आयत के बाद फिर बार बार दोहराया जा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे ऊपर रब कितना ज़रूरी ये बात फ़र्ज करना चाहता है कि हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करें। हमें अपनी ज़ुबान पर कलमा शुक्र अदा लाना चाहिए हमेशा, और हर लम्हा हम अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते रहें, शुक्र अदा करते रहें। जब उसके हुजूर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला का कुरान में ऐलान है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ऐ लोगों अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नियमतों को और ज़्यादा फरमाऊँ।
मैं और ज़्यादा तुम्हारी नियमतों को कर दूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात हमें हर लम्हा उसके हुजूर शुक्र अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। और ये फ़बियाला रब्बी को मातु कज़िबान का जो पैगाम अल्लाह ताला हमें बार बार सुना रहा है, बार बार ये आयत आ रही है, अल्लाह हमें इस आयत पे अमल की तौफीक अदा फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।